अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सैयद मोहम्मद अब्बास। सबसे पहले मेरी तरफ से खुशामदीद, और ये हैं हमेशा की तरह वैसे अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सैयद शाकिर अली। और आज हम हर दिल अजीज जिस पे हम करते रहे रिएक्ट करते सब की, आप सबका पसंदीदा यूट्यूबर, हम सबका पसंदीदा यूट्यूबर, इनका भी पसंदीदा यूट्यूबर बीबी भुवन बाम की एक और नई वीडियो जो कि आई गेस एक दो दिन पहले या कल परसों रिलीज हुई है, जो लेटेस्ट वीडियो है अदरक बाबा, और उस पर हम दोनों चल के आज रिएक्ट करने वाले हैं। और पहले चल के देखते हैं वीडियो, बाकी बातें करते हैं बाद में। बोले नहीं दिया मैंने, आई 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 इसको अपना ही घर समझिए। बाबा जी, ओ बाबा उठे जा, ओए बाबा उठे जा, उठ जा उठ जा उठ जा, क्या कर रहे हो ये, कौन है? अरे ये बहुत पहुंची रहे बाबा है, मुझे मार्केट के पास लेके तो मैं स्कूटी पे बिठा के घर ले आया, कभी भी सो जाते हैं तो गा के उठाना पड़ता है। ओ बाबा उठ जा, ओए बाबा जी घर आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी का भविष्य देखना है, ये मेरा लड़का है। ओ चाइल्ड लेबर, लड़का मतलब काम करने वाला लड़का नहीं, मेरा अंश है। अंश बेटा? इसका नाम अंश नहीं है, ये मेरा खून है। खूनी बेटा? खूनी बेटा मतलब मेरा नंदन है। अरे क्या पर्यायवाची शब्द बोले आ रहे हो, लड़का खून नंदन अंश, सीधा सीधा बोलो ना, बेटा है, बेटा है। ओ, ओ। छुट्टे नहीं है, छुट्टे नहीं मांग रहा हूं, गुस्सा मत होइए बाबा, अभी नादान है बेटा, हाथ दो। बचपना नादानी अभी तक है। नहीं नहीं बहुत बड़ा हो गया है, पहले सब्जी वाले से मीठे आलू ले आता था, अब आलू भी सही लाता है और एक्स्ट्रा धनिया भी रख लेता है, और समझदार भी हो गया है, बाकी बच्चों की तरह वो म्यूजिकली ऐप पे आड़ी टेढ़ी शक्लें नहीं बनाता। मेरे ख्याल से प्रमोशन दिया, बाजार में नहीं बिकता, प्रमोशन लेकर बैठा, सॉरी क्या होती है वो स्पॉन्सरशिप, 2.5 किलो का हार हमें कब मिलेगी, तो आज भी उठता नहीं, यही है उठ जाता है, ये तो बस कमरे में बंद होके पढ़ाई करता रहता है। पापा मेरी बात छोड़ो ना, आप ये बताओ ये कौन है? बहुत बड़े ज्ञानी है बेटा, इनकी बातें दूर दूर तक जाती हैं। क्यों माइक में बोलता मैच? और बेटा ये लेखक भी है, इनकी किताब GST यूके की बेस्ट सेलर है। इसने GST में किताब लिखी है? इसने क्या होता है, मैं तेरे साथ बचपन में कंचे खेलता था क्या? आपने GST पे किताब लिखी है? GST गलती से टटिया हक बाय चांस, मेरी यूके की दूसरी बेस्ट सेलर। मुकेश के दिन कट गए जुलाब में, शिरक देता था अपने ख्वाब में। पहली किताब कौन सी थी? मुकेश का निप्पल। मुकेश का लेफ्ट वाला निप्पल थोड़ा छोटा था, राइट वाला थोड़ा बड़ा। ठंड लगती थी तो दोनों निप्पल इतने बाहर आ जाते थे, जब कमरे में घुसता था तो पहले निप्पल पहुंचे फिर मुकेश। और ये किताबें यूके की बेस्टसेलर है, उत्तराखंड की बात ही कुछ और है, वहां मुझे इतना मानते हैं। सोया? ओ फिर सो गए। ओ बाबा उठे जा, होए कौन है ये? बेटा बहुत बड़े बाबा है, इनका नाम अदरक। अदरक बाबा, ये कैसा नाम है? मेरे बाप अजवाइन और मेरी माँ हल्दी ने मेरा नाम रखा अदरक। बड़े भाई इलायची ने तो अपनी कंपनी भी खोल ली। बाबा इलायची रहा है बेटा, ये हाथ और चेहरा पढ़ के किसी का भी भविष्य बता देते हैं। मेरा हाथ देख के बताओ ना, मैं अमीर बनूंगा। मैं तेरे हाथों की लकीरें मिट रही हैं, नजर आया लंड देख के भविष्य बताना पड़ेगा। ठंड की लकीर तो सुनहरी है। कितने कमाओ? 40-50 हज़ार महीने का। और कमा रहे? बोनस मिला के 60-70 हज़ार महीने का बस। और कमा रहे मैं? तो अपने पिछवाड़े की लकीर से कमा ले। बाबा जी मेरे बेटे का भी भविष्य बता दो। बाबा मैं नहीं मानता इन सब बेकार चीजों में, इस साल तेरे एग्जाम में 90 आएंगे। मान लेगा सारे सब्जेक्ट मिला के। बाबा इसको बाहर भेजो, ये सारे जाहिल लोग अंधविश्वास फैलाते हैं। ए मैं जाहिल नहीं हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी की डिग्री है मेरे पास। ओ बाबा उठ जा, ओए दिन रात मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके दाढ़ी और बाल उगाए हैं ताकि तेरे जैसा बदतमीज लड़का मुझे जाहिल बोले। तो तुम लोग क्लीन शेव करके क्यों नहीं घूमते? क्योंकि मैंने सब त्याग दिया है, सारे हेयर सब कुछ, 15 साल से किसी औरत की तरफ आकर्षित नहीं हुआ। तो अपनी तीसरी टांग पे क्या कैलेंडर टांगता है? एक बार ऐसे ही किसी लड़के ने मेरा मजाक उड़ाया था, मैंने उसके साथ पता है क्या किया? क्या? उसको अपने वश में करके अपना नौकर बना दिया। इसकी माँ ने तो बिना वश में करे ऐसा गजब कर दिया है मेरे साथ। पापा क्या फालतू लोगों को घर में ले आते हो आप? फालतू हूँ मैं? तू जानता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो? पापा जी ना बबलू बेटा ना। कौन बेटा? दोनों एक ही उम्र के हो, दाढ़ी बढ़ा के खुद को 200 साल लगा हुआ है। पापा इस लहसुन को बाहर निकालो। अदरक तो क्या तेरी चाय बनाऊं? बहुत हो गया,
अब तेरे लड़के की गलतियों की सजा तू भुगतेगा। मेरी आंखों में तो देख, छोड़ दे अपना शरीर, अब तू मेरा बबलू है, वी के बाद आता डब्लू है, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। अब बोल बेटा, क्या बनाऊं तेरे बाप को? मेरे नाना बना दो, मैंने कभी देखा भी नहीं उनको, सुना बहुत गुस्से वाले। दुनिया में जो आया है एक दिन है उसको जाना, बकचोदी ना फेल, तू बबलू बन के दिखा दे नाना। अच्छा पार्टी कर। मेरे नाना इतना हंसते थे क्या? आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। पापा, पापा होगा तेरा बाप, मेरा नाम है नाना, इतना मारूंगा जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। अबे ये क्या हो गया? ओ मामा क्या कर दिए? सो गया। खाली रिहाना मुझसे पूछती है, ओ नाना व्हाट्स माय नेम, व्हाट्स माय नेम, अरे उसको बोल अपना आधार कार्ड चेक कर, ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर, किसके साथ बैठा हूं, कहां बैठा हूं, कुछ समझ नहीं। अरे अंदर कुछ जा, कान फटी तो बोला, हाथ बोला, इसको उठाने का मंत्र क्या था बच्चों? मी पहला तुझा ढोड्यांचा खूप कधी संभर पण कधी संभर टू जा बाबा, ओए जा बाबा, ओए ओए बाबा, ये हैग्रिड जैसा दिखने वाला जानवर मेरा क्या उखाड़ेगा? कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, सबके चिट्टे किट्टे खोल दूंगा, कोई नहीं बचेगा, मेरा नसीब ही खराब है। नसीब लंड की तरह होता है, सब अपना अपना लेके चलते हैं, पूरी दुनिया को बताऊंगा तेरी करतूत, सुबह सब्जी कटहल वाली, शाम को हरकत उठल वाली, कोणी घर देता का, ये क्या शोर हो रहा है? आ गई बुढ़िया, देखो सर सेठानी जी पधारी है। ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ए चुप कर पागल औरत, इसको बता दू तेरे बाप अपना दिल किसको दे बैठा है। उठ जा बाबा, ओए मैं दो मिनट, सब नाचो, जिंदगी कांच है और हम सब हेमा मालिनी, नाच बसंत के नाच बुढ़िया। पापा प्लीज होश में आ जाओ, भूल जा से बाप को नहीं आएगा, वो क्या वजूद है तेरा, क्या कमी है मुझ में, भगवान का ये सब कुछ है, दौलत है, दौलत है, इज्जत है, और क्या चाहिए, अपने दोस्तों को बोल दो तेरा नया बाप आ गया है, चल मैं अपने धंधे पर लगता हूँ, आलू ले लो, गांदा ले लो। अरे वाह भाई, बीबी की वाइंस तुमने तो कमाल कर दिया यार, हमेशा की तरह, हमेशा हम बिल्कुल सोचते कुछ और, हाँ। कुछ और निकलता है, और यकीन का ब्रिलियंट, मैं तो कहता देखो कि इसने एक और करेक्टर इंट्रोड्यूस करा दिया, हाँ एक नई चीज़ उसके अंदर आ गई है, और फिर बाबा वाला करेक्टर, अच्छा बाबा की शेप नाक के ऊपर से आ रही थी, यहाँ से होनी चाहिए थी, गाड़ी जो ऊपर से कर दिया बाहर, एक्ट बड़ा क्लास का था, और उसमें जो उन्होंने जो स्क्रिप्ट बनाया था वो शानदार, हमेशा की तरह बाबा, और गाली जो थी ना वो बड़ी टिपिकल होती हैं, और जो हाथों की लकीरें उसने कहाँ देखी थी, और बाकी लकीरें से कहाँ से कमाई हुई थी, तो बहुत वही खतरनाक। अब जो इसको इसने छोड़ा है ना मेरे ख्याल से बीच में, उसके ऊपर एक और वीडियो आएगी, सीरीज आएगी। अच्छा अच्छा, जैसे देखा ना वो बाप निकल गया घर से बाहर, क्या होगा निकल के आके बाद, वो तो एक और तो देखेंगे, जब हम आगे देखेंगे तो मालूम चलेगा कि उसमें क्या हो रहा है, भारत इसमें जो हो रहा था ना बड़ा पहनचोद हो रहा था उसके अंदर ना। अच्छा मुझे पता नहीं कि जब इसके साथ जब इसकी वीडियो देख रहा था ना मैं, तो यकीन करें मेरे मुझसे कंट्रोल नहीं होता, और गाली निकल ही जाती है हमेशा की तरह, तो यार ऐसी गालियाँ भी लाजवाब होती हैं, बड़ा मजा आता है, मैं अपने पूरे कंट्रोल में रहता हूँ, ये अच्छी बात है। अच्छा एंजॉय फुल कर रहे थे गालियों को ना, फुल अंदर से ये भी करना चाहिए लेकिन बोलना नहीं चाहिए, अंदर से ही बड़े वो होते हैं जो आपने सुना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, हम दोनों को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।